उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस शर्त पर बनी थी कि भाजपा प्रदेश में राम राज्य लाएगी, लेकिन आज तक की प्रदेश की हालत देखे तो समझ आता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दलितों पर अन्याय अत्याचार चरम पर है। फर्जी एनकाउंटर करके कई मासूमों की जान ली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब मामले पर मौन धारण किए हुए हैं। जिला पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव, इसमें हर तरफ अफरा तफरी और हिंसा का वातावरण है। फिर वो चंदौली हो, कन्नौज हो, लखीमपुर हो, सीतापुर, उन्नाव, गोरखपुर या फिर बहराइच हो, इन सभी मामलों पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज उठाई एवं कहा कि यूपी में जंगल राज है। वही बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे, इन्होंने इन सब घटनाओं को अति शर्मनाक और अति निंदनीय कहा है। वही बसपा प्रवक्ता सुरेंद्र भदौरिया ने जनता को इसका संवैधानिक लोकतांत्रिक जवाब देने के लिए कहा है। भाजपा ने राम के नाम से जनता के वोट तो बटोर लिए और सरकार भी बना ली, लेकिन जनता को राम राज नहीं, गुंडा राज और जंगल राज दिया है। इस पर बहुजन समाज पार्टी भाजपा को घेरते हुए दिख रही है, क्योंकि बसपा के शासन में कानून द्वारा कानून का राज चलाया गया। राजा भैया जैसे लोगों को बहन मायावती जी ने जेल के अंदर डाल दिया था। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।